ग्यारहवा है दोस्तों द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है वो दिमाग जो तब काम करता है जब आप सोए हुए रहते हैं, या वो दिमाग जो आपको सपने दिखाता है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि वो दिमाग 90% आपके ब्रेन के सारे चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो एक बच्चे की तरह होता है। सबकॉन्शियस माइंड वैसा नहीं है जैसे आप नॉर्मल माइंड को समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक समुद्र की तरह है, क्योंकि उसमें आपके बचपन से लेकर के आज तक जितना भी आपको याद है या जो आपने आज तक सुना है देखा है, वो सारा चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड एक खजाने की तरह है। अगर आप किसी भी महान साइंटिस्ट को देखें तो वो जब भी कोई आइडिया निकालते थे, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही निकालते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर तरीके का नॉलेज होता है, क्योंकि आप जाने या अनजाने किसी न किसी तरीके से नॉलेज लेते ही रहते हैं। आपको खुद पता नहीं होता है, पर आपका दिमाग हमेशा रिसीव करते रहता है और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्टोर कर लेता है। लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और सपने में या आधे सोई हुई अवस्था में ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से जवाब मांगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आंसर कभी ना कभी दे ही देता है। अगर आप उस क्वेश्चन पर लगातार टिके रहेंगे, उस प्रॉब्लम के साथ में स्टिक रहेंगे, तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास हर चीज का जवाब होता है।